दर्शन करने में मजा आया, बहुत मजा आया बहुत। हेलो गाइस, तो देखो आज मैं कितनी गंदी लगने लगी हूँ कार में बैठे बैठे, और ये मेरी चाय है, तो चाय पी रहे हैं। बात है, लो डिजाइनिंग होने लगी तो धूल ही धूल, वो साड़ी गंदी हो रही है। तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। बेल टूर का बेल्ट से मारो तो का वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे बढ़िया, एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा पिछला वाला ब्लॉग, अगर देखा हो तो आपको पता होगा मैं सलकनपुर गया था। तो सलकनपुर से हम रिटर्न हो रहे थे, तो मैंने वो वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने कहा यार एक ही ब्लॉग में सब कुछ ऐड कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये भाई मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई इस ब्लॉग में क्या है कि मैं और जो सब लोग हैं ना, पूरी फैमिली है ना, तो अब जा रहे हैं हम भोजपुर। जो भोजपुर जो लोकेशन है, तो वहाँ पे शंकर जी की बहुत बड़ी शिवलिंग है, बहुत बड़ी पिंडी है। तो पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो अभी हमारी एक कार पीछे रह गई है, शायद आ चुकी है, तो हम इसलिए रुके हुए थे। चलो यार चलते हैं, आ गई है कार, तो अब बैठते हैं। हाँ पीछे, हाँ जी ये वाली है, तो चलो चलते हैं, चलो चले चले। तो अभी भाई आप देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से भाई 40-50 किलोमीटर समथिंग है, तो देखते हैं चलते हैं और मिलते हैं फिर वहीं पे। और भाई सब लोग थक गए हैं, तो तू भी थक गया रे भाई? नहीं ये नहीं थका। तो जो भी बच्चे हैं, तो वो बिट्टू सो गई है, वो पीछे सो रही है, बेचारी थक गई है पैदल पैदल, पता नहीं क्या क्या। तो चलो यार चलते हैं और भोजपुर घूमते हैं, आपको घुमाते हैं यार। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में, और भाई वीडियो पूरी देखना, मज़ा आएगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी शिवलिंग है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे और बहुत सी लोकेशन है, तो मैं वीडियो बनाऊँगा वहाँ पे, तो आप देखना क्योंकि मज़ा आएगा, बहुत अच्छी ज़्यादा बहुत प्यारी लोकेशन है। तो देखो यार, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना यार, भाई प्लीज़ यार। तो देखो ये चुनरी यात्रा जा रही है सलकनपुर के लिए, तो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, और टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा शाम हो गई है, तो जैसा भी है मैं आपको बता दूंगा। तो चलो यार चलते हैं और थोड़े से मज़े लेते हैं। तो ये हमारी बच्चा पार्टी है, तो मैंने बोला था ना, तो भोजपुर यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है, तो यहाँ से रास्ता गया है। तो हमारी तीनों कार ये है, मामा जी हैं और बच्चे पार्टी सब हैं, और एक कार ये है और एक कार वो है। तो बस भाई बहुत बड़ी फैमिली ट्रिप हो गई है ये वैसे, तो है ना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। तो अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा तो पिछला वाला ब्लॉग देखना। तो हम वहाँ पे सलकनपुर गए थे, और अब सलकनपुर वाला ब्लॉग ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। और अब जा रहे हैं हम भोजपुर, जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ पर। तो भाई बहुत मस्त मज़ा आने वाला है। भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई जो हो सके वो कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही फैमिली व्लॉग और लाइफ स्टाइल ट्रैवलिंग और ना जाने कितनी तरीके की वीडियो ऐसे अपने चैनल पे लेके आऊँगा, चैलेंज वीडियो और बहुत सी मस्ती मजाक वाली। तो यार प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर मत जाना। तो चलो यार अभी चलते हैं भोजपुर, और वहाँ पे भी थोड़ी मस्ती होगी। तो अभी सब लोग रुके हुए हैं पानी वानी पीने के लिए, तो अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। चलो चलते हैं। रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे, है ना। यहाँ अंडरब्रिज के नीचे से होके हुए जा रहा है, बस अपन यहीं से गए थे, है ना, यहीं से, हाँ यहीं से गए थे हम। भाई फुल ऑफ रोडिंग हो रही है यार, कसम से इतना गंदा रास्ता है, इतना गंदा रास्ता है, कुछ पूछो मत यार, फूल उड़ रही है, और यार पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा। तो आप खुद देखो यार, इतना भाई समझ में नहीं आ रहा यार, 15 किलोमीटर का रास्ता है, जो पेच है ना 15 किलोमीटर का, पता नहीं कैसा है भाई। भाई साहब बड़ी दिक्कत हो रही है। चलो यार पहुंच के बात करते हैं। भाई 15 किलोमीटर, पता नहीं 15 घंटे ना लग जाए, इतना खराब रास्ता है। जय बाबा। चलो
बम 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 बम। अब हो चुकी है रात। हम भाई बहुत ज्यादा रास्ते बहुत खराब था, तो भाई लाइट तो है नहीं है, तो मैंने दीदी से बोला भाई मेरे को वो कर दो, क्या मोबाइल जला दो, तो उनकी फ्लैश जला के हम मंदिर के दर्शन करने आए थे। मंदिर सामने देखो बहुत बड़ा मंदिर है, तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो अब चलते हैं यार। अब रास्ते में जो भी बात होगी तो बता देंगे। और भाई यहाँ तो दर्शन हो गए हमारे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता पाया, चलो रास्ते में बात करते हैं और घर पहुँचते हैं और वीडियो एंड करते हैं। भाई इतना बड़ा मंदिर है और अंदर इतनी बड़ी शिवलिंग है, तो भाई मैं फ़ोटो डाल दूंगा, फ़ोटो है मेरे पास जो इतनी बड़ी शिवलिंग है। तो भाई अभी रात हो गई है, भाई रास्ता इतना ख़राब था, जो 15 किलोमीटर का पैच था ना, एक इतना ख़राब रास्ता था कुछ पूछो मत यार। हम जैसे तैसे 1.5 घंटा लग गया हमें यहाँ आते आते, और सामने जो सिटी दिख रही है ना, ये भोपाल सिटी है पूरी। तो भाई यार क्या नज़ारा है, और आसमान में बादल देखो कितने काले काले हो रहे हैं। तो चलो यार अब चलते हैं, यहाँ पे वही पट बंद होने, गेट बंद होने का टाइम हो गया है कि भाई यहाँ पे इतने टाइम से बंद हो जाता है, तो बस यहाँ से नीचे कर रहे हैं। चलो यार चलते हैं और रास्ते में थोड़ी वीडियो बनाते हैं, कहीं रुकते हैं, वही चाय वगैरह पीते हैं। दर्शन करने में मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत। 5 मिनट में कोई दर्शन करता है? नहीं इधर के नहीं, उधर के। अरे यहाँ, अरे भोजपुर वाले, भोजपुर वाले कोई खास नहीं, तो प्रसाद खा लो। तो भाई यार अभी तो यहाँ पे भाई लफड़ा हो गया, 5 मिनट में हमने दर्शन करे और दर्शन करके आ गएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट है, तो कुछ लेते हैं, कौन क्या ले रहा है। दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं सीधा घर। और यार भाई यार दर्शन ऐसे हुए हैं कि कुछ पूछो मत। तो यार अभी अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं घर, घर भी निकलना है। अब देखते हैं, मैं 11 पर तो जा नहीं पाऊंगा जो मेरा गांव है, तो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं विदिशा। विदिशा जा रहे हैं अभी तो हम। तो भाई मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, लाइफ स्टाइल ट्रैवलिंग और मोटो ब्लॉगिंग, और फैमिली ब्लॉग सबसे ज़्यादा होता है मेरा, और लाइफ स्टाइल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो रास्ते में कहीं रुकते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी, अभी तो चलते हैं, है ना, है ना, और मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, कुछ ले रहे हैं, तो क्या लेना है बता दे, क्या लेना है? रिंग। रिंग कौन के लिए लेगी? डफर। तो चलो यार अभी देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो ये सब लोग अंदर फैमिली है, तो सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं अपने लिए, तो देखते हैं कौन क्या ले रहा है। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and अरे यार यहाँ चाय में पीते हैं और भाई बैठे हैं सब लोग, तो यहाँ जो बच्चे वगैरह बैठे हैं, तो कोई कोई कुछ खा रहा है, जो जिसको जो खाना है वो खा रहे हैं और बैठे हैं। भाई रास्ते में अब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि रात हो गई है और रास्ता भी ख़राब है, और अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं घर तक। हाँ हेलो गाइस, तो देखो आज मैं कितनी गंदी लगने लगी हूँ कार में बैठे बैठे, और ये मेरी चाय है, तो चाय पी रहे हैं हम, और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। और ये हमारे ड्राइवर है, इनकी हालत ख़राब हो गई है, वो भी चाय पी रहे हैं, हम भी चाय पी रहे थे, कुरकुरे टांगे हैं, और ये चाय वाली दुकान है। हम भोजपुर में आए थे दर्शन कर लिए, अब हम लोग चाय पी के घर जाएंगे, उसके बाद घर जाके अमन भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, और हम कल भी एक ब्लॉग बनाएंगे। तो आप हमारे, अरे तू बोलने तो दे, बोलने नहीं दे रही। उसके बाद कल भी हम ब्लॉग बनाएंगे और ये कल घर चले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना, और लाइक करो, फॉलो करो। बाय बाय। तो भाई यार देखो यार इनकी बात मानना, मेरी बात नहीं मानी है, तो जो भी है। इतनी गंदी हो रही है, बिल्कुल धूली धूल। लो भैया यहाँ पे देखो भाई, पेंटिंग होने लगी, और क्या बात है, लो डिजाइनिंग होने लगी, तो धूली धूल, वो साड़ी गंदी हो रही है। तो यार देखो क्या क्या बना दिया ये, पता नहीं ऐसे पूरी अभी, तो अभी इन्होंने पता नहीं क्या कर, ये पूरी ऐसे गाड़ी गंदी हो रही है। मैंने अभी कहाँ साफ किया, तो यार वही पानी वानी डाल के कर रहा हूँ।
तो अब चलो यार चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया क्योंकि भाई रास्ते पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला। अभी आए हैं जैसे जैसे हाईवे पे लग गए, भोपाल बाईपास पे लग गए हैं। तो अब भोपाल बाईपास सीधा कहाँ पे निकलेंगे हम, रायसेन रोड, तो रायसेन से सांची, सांची से फिर विदिशा। अब देखते हैं अब जैसा भी है, अब धीमे धीमे चलते हैं अब जैसे भी है। तो भाई रात हो चुकी है, निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। टोल टैक्स पड़ा है, अब देखते हैं, रास्ते में दो तीन टोल टैक्स पड़ते हैं तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कितने रुपए का ये टोल टैक्स होता है। वैसे तो फास्टैग लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं फास्टैग से कट जाएगा जो भी है। पर यार इन्हें क्या हो गया, अरे चलो भाई जल्दी जाना है, मम्मी बुला रही है, याद आ रही है। मम्मी नहीं बुला रहा है, मित्रगण हमें चिल्ला रहा है। इसके मित्रगण चिल्ला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं पता नहीं। हमारे फास्टैग ने तो काम किया नहीं, पर्ची कटवाना पड़ी। तो भाई 30 रुपये का टोल देगा। पिछली बार आधे टाइम तो शायद हमारा फास्टैग काम कर गया था, पता नहीं यार इस बार क्या कर दिया इनने, तो इस बार हमें कैश देना पड़ा। तो चलो यार भाई थोड़ा जल्दी जाना है और आराम से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे भी पहुँच जाएंगे। तो चलो भाई आराम से चलते हैं और आपको बता दें कुछ कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बंदरों की तरह क्यों देख रहा है। तो भाई अंधेरा हो चुका है, तो चलो यार चलते हैं आराम आराम से। ये फास्टैग बड़ी समस्या है। हेलो भाई, अब आ चुके हैं हम विदिशा। तो मस्त, तो हमारे भाई का बर्थडे था आज, तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। बेल टूट गया, बेल से मारो तो का केक में निकला होगा तेरे बालों में सब में। अरे यार मैं थोड़ा घर पे चला गया था छोड़ने के लिए फैमिली को, तो इन लोगों का केक कट गया। तो भाई सब लोग यहाँ पे बैठे हैं ईदगाह चौराहे पे। तो ये हमारे यहाँ चौराहा है, बहुत फेमस चौराहा है, तो चाय वाय के लिए सब यहाँ पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे इसके दोस्त वगैरह भी हैं, ये सब लोग हैं। तो इसका बर्थडे मनाया और सेलिब्रेशन किया। तो भाई मेरी हालत भूतों की तरह हो रही है कसम से यार। मैं बाइक चला कार चला रहा था, तो वही अभी हम आए हैं भोजपुर से, तो मैंने बताया था आपको। तो चलो यार इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल एक और ब्लॉग में, बाय।